तो दंतेवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जन मिलिशिया कमांडर ने सरेंडर कर दिया है। नक्सली कमांडर हडमा चोलनार ब्लास्ट और किरंदल प्लांट पर हुए हमले में शामिल था। कमांडर हडमा गुनियापाल का रहने वाला है। हडमा ने एसपी के सामने सरेंडर किया है। एसपी ने हडमा को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी थी। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज सिंह भदौरिया फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, नक्सली संगठन जन मिलिशिया के कमांडर हडमा ने सरेंडर कर दिया है, क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास? पुलिस के लिए अहम कामयाबी है। हरमा जन मिलिशिया कमांडर था और किरंदुल इलाके में सक्रिय था। डिवीजन में इसकी पकड़ बताई जाती थी। 2007 से नक्सल संगठन में जुड़ा था। 13 साल बाद इसने दंतेवाड़ा एसपी के सामने आज आत्मसमर्पण किया है। जो प्रेस नोट दंतेवाड़ा एसपी से जारी हुआ है, उस प्रेस नोट पे दावा किया गया है कि ये जो हरमा है ये कई बड़ी घटनाओं में शामिल था। चोलनार का एक ब्लास्ट है जिसमें 7 से 8 नक्सली जवान शहीद हुए थे, उस घटना में शामिल था। उसके साथ में अभी हाल में जो आगजनी की वारदात हुई थी किरंदुल इलाके में, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को नक्सलियों ने जला दिया था, उस घटना में भी यह हमला शामिल था। और इसको जो छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति है उसके तहत जो भी सरकार की योजनाएं हैं उससे जोड़ा जाएगा, ऐसा दंतेवाड़ा एसपी ने कहा है। जी शुक्रिया पंकज जानकारी के लिए।